नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग और लंबी अवधि के निवेश के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन की कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल करें वो साइंटिफिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और तर्कसंगत होनी चाहिए, ताकि दोस्तों आपको मालूम हो कि आप उस स्टॉक का चयन क्यों कर रहे हैं। आपको इंटरनेट पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस या ब्लॉग मिल जाएंगे दोस्तों, जहां पे आपको बताया जाएगा इस स्टॉक में निवेश कर लीजिए, उस स्टॉक में निवेश कर लीजिए, ये स्टॉक अगले 3 महीने में डबल हो जाएगा या फलाना स्टॉक 2 साल के अंदर 10 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस खुद करिए, तो उसी के बेसिस के ऊपर जो भी स्टॉक का चयन आप करेंगे, मैं आपको दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो स्टॉक हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने उसको किसी लॉजिक के बेसिस पे उसका चयन किया है या किसी रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपने उसका चयन किया। तो दोस्तों, ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपने YouTube चैनल पे डाले हुए हैं, जिनको आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे ऐसे तरीके बताए हुए हैं स्टॉक सिलेक्शन के, जो कि मेरी रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर आधारित है। दोस्तों, उन वीडियोस को देखने के लिए आप मेरी वीडियोस लाइब्रेरी में जा सकते हैं, यहाँ वीडियोस पे क्लिक करके, यहाँ पे इस सर्च आइकन को क्लिक करके आप उन वीडियोस को सर्च भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके की चर्चा करेंगे, जिसकी सहायता से आप बहुत अच्छे स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग और लंबी अवधि के निवेश के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल पे मिल जाए। तो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर जो भी आपको प्रीमियम कोर्सेज मार्केट में रन किए जाते हैं, जिनकी फ़ीस 50 या 60 हज़ार होती है, उनके अंदर जो सिखाया जाता है उससे शायद 10 गुना ज़्यादा आपको इस चैनल के ऊपर फ्री में सीखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम जान लेते हैं कि कौन सी टेक्निक है जिसकी सहायता से आप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं अपनी वेबसाइट पर पुट कर देता हूं, ताकि जब भी आपको वो लिंक देखना हो आप मेरी वेबसाइट पर जाके बहुत आसानी से उस लिंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी वेबसाइट पर जाके nitinbhatia.in पे इंपॉर्टेंट लिंक्स का जो ये लिंक है इसके ऊपर क्लिक करिए, तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक 8वें नंबर का लिंक है इंडेक्स रिटर्न्स। तो दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों एक इंडिसिस का सेक्शन है, यहाँ मंथली रिपोर्ट्स के अंदर एक मंथली इंडेक्स रिटर्न्स की फाइल है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जब आप फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की एक एक्सेल शीट ओपन होगी, जहाँ पे आप ये जो अलग अलग इंडिसेस हैं इनका कितना रिटर्न है 1 महीने के होराइजन पे, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के होराइजन पे। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इनकी सहायता से हम स्टॉक का चयन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा एक एक करके कि किस तरीके से आप इन इंडिसेस की सहायता से बेस्ट स्टॉक का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, इस एनालिसिस का एक और फ़ायदा है कि आपको वर्स्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स के बारे में भी पता चल जाएगा इस एनालिसिस के द्वारा। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो आप पहले 1 मंथ के ऊपर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए रिटर्न के हिसाब से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का जो रिटर्न है दोस्तों वो है -0.3 एक महीने के पीरियड के ऊपर। दोस्तों, उसके ऊपर जो भी आपके इंडिसेस या सेक्टर्स दिए गए हैं उन्होंने जो निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया। दोस्तों, यहाँ पे हम इन सेक्टर्स के आगे लिख लेते हैं कि 1 महीने के होराइजन के ऊपर इन्होंने जो है निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है ये हमें हमारे एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो दोस्तों, अब हम 3 महीने के रिटर्न के ऊपर इसको सॉर्ट कर लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स जिन्होंने निफ्टी 50 के रिटर्न को 3 महीने के होराइजन के ऊपर बीट किया। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 4 सेक्टर हैं दोस्तों, इन्होंने निफ्टी 50 के रिटर्न को
3 महीने के होराइजन के ऊपर बीट किया। तो दोस्तों इनके आगे हम फिर लिख लेते हैं जिन्होंने 3 महीने के होराइजन के ऊपर निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमें बेस्ट स्टॉक का चयन करने के लिए इस एक्सरसाइज का करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम 6 महीने के होराइजन पर देख लेते हैं कि किन सेक्टर्स ने निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 सेक्टर हैं जिन्होंने निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया। इनके आगे हम फिर लिख लेते हैं कि 6 मंथ मैं यहाँ पे किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि किन सेक्टर्स ने 6 महीने के होराइजन के ऊपर निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट किया। तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको 1 साल के रिटर्न के लिए भी करना है, तो आप 1 साल के ऊपर यहाँ पे सॉर्ट कर लीजिए और यहाँ पे 1 साल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने 1 साल के होराइजन पे निफ्टी 50 के रिटर्न्स को बीट किया। दोस्तों उन सब के आगे हम 1 ईयर लिख लेते हैं, और यहाँ पे 1 ईयर लिखने के बाद दोस्तों इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ड्रैग करने के बाद दोस्तों आपको ये सारे सेक्टर्स के आगे अब लिखा हुआ आ गया कि किस सेक्टर ने किस होराइजन के ऊपर निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया। तो दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी का जो इंडिसेस है उसने 1 महीने के होराइजन पे तो बीट नहीं किया, लेकिन 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के होराइजन के ऊपर निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर हो सकता है बिकवाली हो रही है पिछले 1 महीने से, कोई बड़ा प्लेयर शायद यहाँ से निकल रहा है, तभी ये जो है निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो 2 महत्वपूर्ण सेक्टर सामने आ रहे हैं, निफ्टी सर्विसेज सेक्टर या इंडिसेस, निफ्टी बैंकिंग सेक्टर या निफ्टी बैंक इंडिसेस, तो दोस्तों इन दोनों सेक्टर्स ने या इन दोनों इंडिसेस ने निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल। इन चारों पीरियड के होराइजन पे इन दोनों सेक्टर्स ने निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया है। इसका मतलब दोस्तों ये जो 2 सेक्टर हैं ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सेक्टर का चयन करने के बाद, इंडिसेस का चयन करने के बाद, अब हमें करना है स्टॉक का सिलेक्शन। दोस्तों यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर मैंने एक नया लिंक क्रिएट किया है जो कि है लिंक नंबर 36, ये निफ्टी इंडिसेस के बारे में है। तो दोस्तों जब आप इसे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पेज आपके स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने एनालिसिस के अंदर देखा कि निफ्टी बैंक और निफ्टी सर्विसेज सेक्टर, तो दोस्तों ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने निफ्टी 50 के रिटर्न को 4 टाइम पीरियड के ऊपर बीट किया है। तो दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहला सेक्टर है सर्विसेज सेक्टर, दूसरा है बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस लिंक के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ आप निफ्टी बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जितने भी स्टॉक्स, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स इस इंडिसेस के अंदर लिस्टेड हैं या इसके अंदर इंक्लूड होते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अब आप यहां देख सकते हैं कि पिछले 30 दिन के अंदर किसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों यहां पे जो है 4 जो स्टॉक्स हैं वो हमारी लिस्ट के अंदर आ रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ये जो 4 स्टॉक्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न डिक्लेयर किए हैं, पहले नंबर पे है SBI, दूसरे पे है कोटक, तीसरे पे है HDFC बैंक, चौथे पे है IndusInd Bank। दोस्तों इस लिस्ट के अंदर जो 3 स्टॉक हैं दोस्तों इनकी चर्चा मैं आपके साथ हमेशा करता हूं कि ये अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक, IndusInd Bank और कोटक महिंद्रा बैंक। और मैं अपने FII DII एनालिसिस वाले वीडियोज़ में भी आपको बता चुका हूँ कि दोस्तों इन स्टॉक्स के अंदर हो सकता है कि FII बाइंग हो रही है समय समय के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक स्टॉक आश्चर्यचकित करने वाला है वो है SBI। तो दोस्तों SBI जो है यहाँ पे नंबर 1 पे, और इसके अंदर आपने कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देखे होंगे कि शायद कुछ बड़े प्लेयर्स ने जब ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ था वहाँ पे उन्होंने खरीदारी शुरू कर दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यहाँ पे इस स्टॉक को अगर हम न्यूज़ से कोरिलेट करके देखें तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी। तो दोस्तों निफ्टी बैंक के अंदर हमने 4 स्टॉक्स का चयन किया। उसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं निफ्टी सर्विसेज सेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों निफ्टी सर्विसेज सेक्टर आपको मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों निफ्टी सर्विसेज सेक्टर के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, यहाँ पे 30 डे के पीरियड पे हम देख लेते हैं कि किन स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक्स के नाम निकल के आ रहे हैं वो है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, SBI, कोटेक, HDFC, इन्फी और IndusInd Bank। दोस्तों इसके अंदर जो IndusInd Bank, HDFC बैंक, कोटेक महिंद्रा बैंक, SBI जो है वो निफ्टी बैंक वाले इंडिसेस के अंदर भी है और सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे ये जो दोनों सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर चार स्टॉक्स ओवरलैपिंग है। इसके अलावा अब हमारी लिस्ट में कुछ और स्टॉक्स भी आ गए हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा और इसके अलावा दोस्तों इन्फी, ये एक और स्टॉक है जो अब हमारी लिस्ट के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे इस एनालिसिस के द्वारा जो हमारी लिस्ट तैयार हुई अच्छे स्टॉक्स की जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, वो स्टॉक्स हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिलॉसफी बता देता हूँ इस एनालिसिस की। दोस्तों फिलॉसफी ये है कि हमने पहले उन सेक्टर्स का चयन किया जो निफ्टी 50 को बीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअली हम अल्फ़ा जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपके साथ एक काफ़ी समय पहले वीडियो शेयर किया था जहाँ पे मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन के अंदर बताया था कि सबसे पहले आप सेक्टर का चयन करें उसके बाद स्टॉक का चयन करें, तो यहाँ पे हम उस फिलॉसफी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले हमने सेक्टर देखा कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, जब मार्केट साइडवेज होती है, अगर मार्केट नीचे जाती है तो वहाँ पर हो सकता है उस सेक्टर के अंदर कोई अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन वहाँ पर क्योंकि सेक्टर की अगर पिटाई हो जाएगी दोस्तों तो वहाँ पर उस स्टॉक की पिटाई होना भी लाजमी है। तो यहाँ पर हमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वो क्राइटेरिया भी फुलफ़िल किया, उसके बाद इन सेक्टर्स के अंदर, इन इंडिसेस के अंदर जो भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमने उनकी लिस्ट बनाई। टोटल 8 स्टॉक्स इस समय आपकी लिस्ट में आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप बॉटम स्टॉक को छोड़ भी दें, इंडसइंड बैंक जिसका 30 दिन का रिटर्न 0.54% है, केवल 3% से ऊपर वाले स्टॉक्स को कंसिडर करें तो यहाँ पर 7 उम्दा अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स आपकी लिस्ट के अंदर आ चुके हैं जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग या लंबी अवधि के निवेश के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका जो मैंने आपको आज अपने वीडियो में बताया, जिसके अंदर आप कुछ मिनट्स के अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अल्फा भी जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमसे गलती ना हो, इसलिए हमने केवल उन्हीं इंडिसेस या सेक्टर्स का चयन किया है जिन्होंने चारों टाइम पीरियड के ऊपर निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट किया है, ताकि हमें बिल्कुल 100% श्योरिटी हो कि हम जिन स्टॉक्स का चयन करने जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हैं। और दोस्तों इन सेक्टर्स के अंदर, इन इंडिसेस के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं हमने उनको लिया है। तो दोस्तों इससे अच्छा मेथड आपको नहीं मिलेगा किसी भी अच्छे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक का चयन करने में। और पर्सनली मैं इस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, इस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे हमने बिल्कुल कोई भी हवाबाजी नहीं करी, हमने एक बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से स्टॉक्स का चयन किया है, इसलिए हमारे स्टॉक सिलेक्शन में गलती होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि हमने फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर अपनी रिसर्च और एनालिसिस के द्वारा इन स्टॉक्स का चयन किया। दोस्तों ये तो चर्चा होगी कि आप किस तरीके से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस एनालिसिस के द्वारा ये भी पता लगा सकते हैं कि इस समय वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स या सेक्टर्स कौन से हैं। तो दोस्तों वहाँ पे आपको एक रिवर्स एनालिसिस करना पड़ेगा, दोस्तों वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किन सेक्टर्स की वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है 1 महीना 3 महीना 6 महीना या 1 ईयर के होराइजन पे, और उन सेक्टर्स के अंदर दोस्तों कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मान लीजिए किसी ऐसे सेक्टर के अंदर निवेश किया हुआ है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, दोस्तों अगर हम इस डेटा को सॉर्ट कर ले जैसा कि हमने बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए इसको सॉर्ट किया था, तो वहाँ पे आप ये एनालिसिस भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हैं या आप वहाँ पे किसी ऐसे सेक्टर के अंदर फंस गए हैं जिसके बारे में अभी आपको मालूम ही नहीं कि ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, या कौन से ऐसे सेक्टर हैं दोस्तों जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आप उन सेक्टर्स के बारे में बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अगर हम चारों पीरियड्स के ऊपर देखें और उनको सॉर्ट आउट कर दें, तो दोस्तों अगर आप 1 साल के होराइजन पे देखें, निफ्टी PSU बैंक्स जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, और निफ्टी फार्मा भी वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की लिस्ट में आता है। 6 महीने के होराइजन पे दोस्तों निफ्टी PSU बैंक 23% की गिरावट हुई। यहाँ पे जो दूसरा सेक्टर है वो है निफ्टी फार्मा, ये दोनों कंसिस्टेंटली 6 महीने और 1 साल के होराइजन पे वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर हैं। दोस्तों 3 महीने के अगर होराइजन पे देखा जाए तो यहाँ पे हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं रियलिटी सेक्टर और फार्मा यहाँ पे भी लिस्ट के अंदर आ रहा है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम 1 महीने का रिटर्न देखें, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिन सेक्टर्स ने खराब प्रदर्शन किया वो है फार्मा और रियलिटी। दोस्तों फार्मा जो है वो आप देख सकते हैं कि वो चारों पीरियड के ऊपर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स के तौर पे सामने
आया है। तो दोस्तों अब इसलिए मैं आपको काफ़ी बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि मुझे नहीं समझ में आता कि लोग फार्मा सेक्टर को क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स को क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, जबकि मुझे कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा कि जिसके अंदर हमें ये संकेत मिले कि हमें फार्मा सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर आप उन सेक्टर्स के अंदर आपका निवेश है तो वहाँ पे आप अपने निवेश को जांच परख सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपने निवेश के साथ क्या करना है। दोस्तों ये था मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च और एनालिसिस करने का तरीका, जिसके अंदर आप बेस्ट परफॉर्मिंग भी पता लगा सकते हैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग भी पता लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा, ये स्ट्रेटजी की सहायता से आप स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सकेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ अच्छी बातें सीखी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर रिसर्च और एनालिसिस किया जाता है, तो आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर करें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, वो भी स्टॉक मार्केट को फ्री में सीख सकें और वो भी स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमा सके। दोस्तों इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मुझे पता लगता रहता है कि आपको किन विषयों के ऊपर वीडियोस देखने पसंद है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये मैंने सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है, इसके अंदर मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी सेक्टर में या स्टॉक में किसी भी तरह की पोजिशन बनाएँ बाय सेल या होल्ड की। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया है, किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी निवेश का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।